स्वागत है आपका रिपोर्ट कार्ड सीरीज में और बारी आ चुकी है एक और नया रिपोर्ट कार्ड आपको देने का। और आज जिस ब्रांड की बारी है वो है वीवो प्लस आईक्यू। आईक्यू को इसलिए हम वीवो के साथ कंबाइन करके दे रहे हैं क्योंकि वो उसका एक सब ब्रांड है, इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है। तो अगर पहले आपको ओवरऑल नंबर बता दें कि वीवो और आईक्यू ने मिलकर कितने फोन लॉन्च किए, उन लोगों ने इस साल 2022 में लॉन्च किए 33 मॉडल्स और उनके सवेरियंस में इंक्लूड कर लें तो वो नंबर बन के आ रहा है 57। वहीं अगर हम इसको 2021 से कंपेयर करें तो 2021 में लोगों ने लॉन्च किए थे 26 फोन कुल मिला के टोटल मॉडल्स, और ये बन के आता था कि जो इसका जो जंप हुआ है वो 27% का जंप हुआ है मॉडल्स में। वहीं अगर वेरियंट्स की बात कर लें तो इस साल 2021 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे 38 वेरियंट्स सब मिला के, तो वो अगर कंपेयर कर लें इस साल से तो जंप आई है 50%, यानी कि इस साल उन लोगों ने थोड़ा ज्यादा दम डाला है। अब ऐसा करते हैं, बाइफर्केट कर लेते हैं कि वीवो ने क्या किया, आईक्यू ने क्या किया। सो वीवो की बात कर ले तो वीवो ने इस साल पे 24 मॉडल लॉन्च किए और अगर सब वेरियंट्स की बात कर लें तो उन लोगों ने लॉन्च किए 37, यानी सब मिला के 37 फोन उनके लॉन्च हुए थे। अब ये नंबर हम किससे कंपेयर करेंगे, 2021 से। तो 2021 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे 24 मॉडल्स, यानी कि 9% की जंप है। लेकिन अगर वेरियंट्स की बात करें तो उन लोगों ने लॉन्च किए थे 28, तो यहां पर आपको मिलके आता है 32% का जंप। अगर बात कर लें आईक्यू के बारे में फिर से कि उन लोगों ने क्या किया, तो आईक्यू ने इस साल पे लॉन्च किए 9 मॉडल और अगर उनके सब वेरियंट्स भी इंक्लूड कर लें तो नंबर बन के आता है हमारे पास 20। वही नंबर अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो 4 लॉन्च किए थे, यानी कि जो जंप आई है 125% की जंप। और वहीं अगर हम वेरिएंट्स को भी इंक्लूड कर लें तो वो बन के आता है पूरा शतक, यानी कि 100% जंप, यानी कि इस साल जो मेन पुश आया है वो आईक्यू की तरफ से आया है। और अब प्राइस सेगमेंट्स की बात कर लें तो वीवो ने इस साल अंडर 15K में खाली 12 डिवाइसेस लॉन्च किए जो बन के आता है 32%, 15 से 25,000 के बीच में लोगों ने 13 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं जो बन के आता है 35%, उसके बाद अगर 25 से 35 की बात कर लें तो 5 डिवाइसेस लॉन्च किए जो बन के आता है 14%, 35 टू 45 में उन्होंने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए जो बन के आता है 11%, भाई अगर 45 और 55 की बात करें वहां पर 1 डिवाइस लॉन्च किया 3%, और 55 एंड अबव वहां पर भी उन्होंने डिवाइस लॉन्च किए 2 जो बन के आता है 5%। तो इंटरेस्टिंग है, यानी कि इन लोगों ने जो बजट सेगमेंट था अंडर 35K उसमें काफी डिवाइसेस उन लोगों ने लॉन्च किए, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम डिवाइसेस थे वो 25,000 रुपए से कम की थी। वहीं अगर आईक्यू की बात कर लें तो आईक्यू ने अंडर 15,000 में 2 डिवाइसेस लॉन्च की है जो बन के आती है 10%, वहीं 15 से 25 के बीच में उन्होंने लॉन्च किए 8 डिवाइसेस जो बन के आता है 40%, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस इस सेगमेंट में उन लोगों ने लॉन्च की थी। वहीं अगले सेगमेंट की बात करें तो 25 से 35,000 उसमें 4 डिवाइसेस लॉन्च किए जो बन के आता है 20%, उसके बाद 35 टू 45 सेगमेंट में उन्होंने 1 डिवाइस लॉन्च की जो बन के आता है 5%, 45-55 उधर भी उनने 3 डिवाइसेस लॉन्च किए जो बन के आता है 15%, और फाइनली 55,000 से ऊपर भी उन्होंने डिवाइस लॉन्च की जो उन लोगों ने लॉन्च की थी इस साल 2 डिवाइसेस जो बन के आता है उनका 10% का शेयर। सो फ्रेंड्स, अब नंबर का खेल सेगमेंट तो हम आपको दिखा चुके हैं, अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ऋतुपर्णा मंडल से जो कि R&D इंडिया की हेड है मीडिया टेक की, और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को जानते हैं कि मीडिया टेक का इस टाइम में मार्केट शेयर जो स्मार्टफोन में है वो है 54%, बाकी सेगमेंट से टीवी हो गया, स्मार्ट डिवाइस हो गया, इसमें कितना सेगमेंट है, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ उनसे एक चीज पूछते हैं कि अब जैसे 5G तो लॉन्च हो चुका है, तो आप आने वाले वक्त में क्या, मतलब इस साल जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें कोई 4G डिवाइसेस वो लोग लॉन्च नहीं करेंगे, मतलब वो लोग तो लॉन्च नहीं करते, वो चिपसेट लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करेंगे या खाली अब 5G होगा? आपको तो पता ही है कि यू नो मीडिया टेक हैज इमर्ज्ड एज अ प्रेफर्ड चिपसेट सप्लायर फॉर OEMs इन इंडिया, और हम वो प्रॉमिस पे वी कंटिन्यू डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस एंड हेंस द सक्सेस। तो अडॉप्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी हो, वॉइस असिस्टेंट्स हो एंड स्मार्ट स्पीकर्स, ये तो हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 1 ईयर इन इंडिया, एंड हम तो मार्केट लीडर है इन सब कैटेगरी में, राइट? But if you look at it, we have always been more than just mobile. In fact, we recently announced MediaTek T800 modem for 5G beyond smartphones and MediaTek Pentonic 1000 flagship chipset for 4K TVs. So, hamara focus 5G smartphones in India to ek saal se zyada hai, right?
and the adoption has grown significantly even before the launch of 5G. Lekin aap agar dekho to we also have a huge focus and we continue that focus on 4G chips as we see demand for the segment of devices is still increasing. Khaskar India ka jo demographic population hai uske liye 4G is still important and we continue to focus on that. सुविंदर नंबर के खेलों के बाद बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस आपके आईक्यू और वीवो की ओर से. मेरा साथ देंगे निमिष दुबे और श्रुति. सो श्रुति, अगर हम देखें वीवो और आईक्यू का कॉम्बिनेशन 2022 की बात करें और थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं 2021 का, तो यहाँ पर देखेंगे 2022 में इनके काफी ज्यादा डिवाइसेस ज्यादा लॉन्च हुए हैं और इसमें अहम भूमिका निभाई आईक्यू ने, जिन लोगों ने ऑलमोस्ट 100% का जंप लिया है 2021 के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स जो भारतीय कंज्यूमर को दिए गए हैं. आपके हिसाब से श्रुति, इस साल का इन दोनों ब्रांड्स का हिट क्या होगा? तो मेरे हिसाब से वीवो का हिट डेफिनेटली था वीवो X80 Pro, क्योंकि आई थिंक कैमरा में वीवो अच्छा कर रहा था, X70 भी अच्छा था, बट मुझे नहीं लगा था कि X80 में इतना डिफरेंस होगा, पर काफ़ी डिफरेंस था. ठीक है, डिज़ाइन वाइज वो कैमरा बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, शायद ना पसंद आए लोगों को, बट कैमरा काफ़ी अच्छा था और नाइट मोड में उन्होंने खास कर से काफ़ी काम किया है और वो दिख रहा है. और मेरे हिसाब से जो वीडियो मोड था, जो सिनेमा वीडियो मोड था, कि जो वीडियो में भी एक तरह से पोर्ट्रेट मोड, वो काफ़ी मुश्किल होता है. मैंने आईफोन में भी यूज़ किया है, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है. पिक्सल का अच्छा लगा है, आईफोन 14 का भी थोड़ा इम्प्रूव लगा है, पर आई थिंक सबसे बेस्ट अभी तक मेरे हिसाब से वीवो ने किया है. सो मेरे हिसाब से वीवो और आईक्यू में अगर हिट देखा जाए तो मेरे लिए तो वीवो X80 Pro था. श्रुति, इस साल आपको स्ट्रैटेजी में भी कोई चेंज नजर आया है वीवो और आईक्यू की तरफ से? मुझे लगता है इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ा प्रीमियम की थी. वीवो प्रीमियम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. वीवो के ऑफकोर्स बजट फोन्स भी होते हैं ये बाई सीरीज में, पर आई थिंक उन्होंने इसको इतना पब्लिसाइज नहीं किया और आईक्यू को काफ़ी प्रमोट किया है, क्योंकि आईक्यू आई थिंक 2021 में तो ऑलमोस्ट, मुझे तो एक भी आईक्यू फ़ोन का नाम अगर कोई पूछेगा तो शायद याद नहीं है 2021 के, पर 2022 में आईक्यू थोड़ा सरप्राइजिंग था मिड रेंज में, प्रीमियम मिड रेंज में दे वर प्रमोटिंग एंड दे वर आई थिंक उनका थोड़ा ज़्यादा पुश था. तो मेरे हिसाब से आईक्यू वाज स्टैंडिंग आउट मोर इन दिस ईयर कंपेयर्ड टू वीवो. राइट, निमिष आपको क्या लगता है कि इस साल वीवो प्लस आईक्यू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? संदीप, श्रुति ने एकदम ठीक कहा. अगर आप देखिए इस साल तो आईक्यू ज़्यादा हाई प्रोफाइल था और आईक्यू और वीवो में हम लोग जो रिलेशनशिप देख रहे हैं वो थोड़ा सा, अगर आपको 2-3 साल पहले जाइए तो जो आपको ओप्पो और रियलमी में दिखी थी सिमिलरली वही सिमिलर सी रिलेशनशिप है कि एक प्लेयर है, एक ब्रांड है जो हाई एंड पे जा रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है, इन दिस केस वीवो जा रहा है, और दूसरा जो है ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है जो आईक्यू है. आईक्यू जब आया था 2 साल पहले आया था, आपको याद है पहला 5G फ़ोन, उसका ड्रामा काफ़ी हुआ था, तो गेमिंग फ़ोन के रूप में आया था और उस समय उन्होंने कहा था हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांड है, लेकिन 2021 में उन्होंने कह दिया नहीं, हम लोग वीवो के अंडर जा रहे हैं. और हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो ये है कि आईक्यू जो है उसके भी कुछ प्रीमियम फ़ोन्स हैं, जैसे लेजेंड है 50,000 के ऊपर जा रहा है वो, लेकिन उनके कई फ़ोन्स जो हैं वो आमतौर पे 15,000 से 30,000 की रेंज में जो है, जो वन प्लस की जो रेंज है उसमें टक्कर दे रहे हैं, रेडमी नोट को टक्कर दे रहे हैं. तो मेरे अनुसार आईक्यू का प्रोग्रेशन इस साल, हम लोगों ने जब लॉन्च हुआ था तो मुझे याद है 80% लोगों ने कहा था ये कोई ब्रांड का नाम होता है, आईक्यू क्या होता है, तो वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अगला साल आईक्यू वीवो एक दूसरे को बैलेंस कैसे करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. राइट, तो श्रुति, निमिष, मुझे ही लगता है कि जैसे आप दोनों ने जो पॉइंट था, मुझे वही लगता है कि इस साल अगर देखा जाए तो 15,000 और 15 से 25,000 इसके बीच में ऑलमोस्ट 50-60% डिवाइसेस वीवो और आईक्यू ने कॉम्बिनेशन में करके लॉन्च किए. आईक्यू की जो डिवाइसेस इस प्राइस सेगमेंट में हुई थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी की थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी, अच्छा ये है वो है, लेकिन आईक्यू को छोड़ दे तो वीवो ने बजट फोन है फोन्स के बारे में ज्यादा कुछ बात ही नहीं किया. उन्होंने कहा वो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, जो बिकना है ऑफलाइन में बिकेंगे, कहाँ बिकेंगे, लेकिन वो इस चीज में एक चीज मिस करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली दिखने को मिलती है रियलमी के लिए भी और शॉमी के लिए भी, और वो लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर इस सेगमेंट में
बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और यहाँ पर आईक्यू धीमा पड़ता हुआ नजर आया, ऐसा लग रहा था कि एक्सलेटर के बदले ब्रेक पे पैर रखी हुई है। तो अब रुक करते हैं अगली पॉइंट की तरफ। निमिश, आपको क्या लगता है कि इस साल का वीकनेस क्या थी वीवो और आईक्यू? संदीप, आपने तो लगभग कही थी पिछले पॉइंट में कि जो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है वो इस समय बहुत उभर के नहीं आ रहा है, और ये क्राइसिस कई और ब्रांड्स के साथ हुई है। अभी पिछले साल पोको और रेडमी के साथ भी हुई थी कि दोनों का लगभग वही फ़ोन है, डिज़ाइन भी लगभग वही है, शायद एक कलर फ़र्क कर देंगे, एक चार्जर कुछ बदल देंगे और कहेंगे नहीं ये अलग चीज़ है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे अनुसार अगर हम वीवो आईक्यू की वीकनेस देखें, वीवो का अपने कुछ डिवाइसेस पे ध्यान न देना ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। जैसे वाई सीरीज़ में उन्होंने डिवाइसेस लॉन्च की थी तो ऐसे ऐसी बात नहीं थी, उसके बारे में आप बात कर ही नहीं रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। जैसे X80 Pro जो शानदार डिवाइस थी, मेरे अनुसार साल में अच्छे डिवाइसेस में से एक थी, बहुत अच्छी बहुत शानदार कैमरा फ़ोन था, स्टेबलाइजेशन एंड ऑल दैट, उसके बारे में आप इतना बात कर रहे हैं, तो आप दूसरे फ़ोन निकाल रहे हैं जिनके बारे में आप बात एकदम नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ बन रहा है। और अगर हम इतिहास देखें तो रियलमी और रेडमी कम्युनिकेशंस, वन प्लस कम्युनिकेशंस बहुत शार्प रहे हैं। वीवो और आईक्यू विद ऑल ड्यू डेफरेंस, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अभी तक उतनी शार्पनेस नहीं आई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ है। मुझे ये थोड़ी सी वीकनेस लग रही है कि उनके जो वही फ़ोन वीवो में आपको दिख रहा है, वही फ़ोन आपको आईक्यू में लग रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? शुरू में एक साल पहले कह सकते थे भाई आईक्यू गेमिंग ब्रांड है, अब गेमिंग ब्रांड नहीं है। तो ये पोजिशनिंग जो इनकी मुझे लग रहा है एक इशू होने जा रही है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर है, बट आई डोंट थिंक द कंज्यूमर वरीज, उतना कंज्यूमर को फर्क नहीं होगा उसके बारे में। राइट, श्रुति आपको क्या लगता है कि इस साल की मेजर वीकनेस क्या सामने आते हुए आपको दिख रही है? तो मेरे लिए भी यही पॉइंट होगा कि ये जो 15,000 से 20,000 के फोन्स है, वीवो ने शुरुआत करी थी, वीवो की T1 आया था, वो काफ़ी ठीक फ़ोन था, और क्योंकि 15,000 में आजकल वो फ़ोन्स नहीं आ रहे हैं जो 5G और ठीक ठाक स्पेसिफिकेशंस दे, तो उस हिसाब से वीवो का T1 बुरा नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक T1 वॉज नॉट पब्लिसाइज, उन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी है। और एक IQ के साथ एक ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि IQ इज़ स्टिल अ न्यूअर ब्रांड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वीवो स्टिल थोड़ा सा नाम है, तो अगर वीवो के फ़ोन्स के बारे में इतनी डिस्कशन नहीं हो रही है तो IQ को रेकमेंड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के लिए वो नया ब्रांड है अभी भी, लोगों को नहीं पता है कि वो वन प्लस इतना इस्टेब्लिश नहीं है। मेरे हिसाब से वन प्लस काफ़ी इस्टेब्लिश है, तो उनके लिए बजट सेगमेंट में आना थोड़ा आसान होता है, पर IQ को रेकमेंड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे निमिश ने कहा कि डिफरेंस क्या है वीवो और IQ के फ़ोन्स में, स्पेशली जो 25 से 30 के सेगमेंट है, और जो कहना चाहेंगे जैसे 35 से ऊपर 40 का सेगमेंट, डिफरेंस क्या है ये क्लियर नहीं है। IQ पहले गेमिंग पे फोकस था, बट अभी क्या फोकस है थोड़ा क्लियर नहीं, क्या IQ वीवो की जगह लेगा या वीवो अभी भी वाई सीरीज कर रहा है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है। राइट, श्रुति और निमेश, मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है कि अगर हम वीवो का पूरे साल की स्ट्रैटेजी देखें तो वो है ना एक जिसे कहते हैं पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था। जनवरी का महीना देखें 2021 का, तो अचानक 5-6 डिवाइसेस लॉन्च कर दिए, फिर उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल वाज अ साइलेंट पीरियड, अचानक से अगस्त में उन लोगों ने 5-6 मॉडल्स फिर से लॉन्च कर दिए, और उसके बाद कोमा में चले गए, एकदम शांत स्थिति में चले गए, कुछ करना ही नहीं है, फिर एक एक डिवाइस इक्का दुक्का इधर उधर लॉन्च हो रही है। उसके कंपैरिजन में अगर IQ की बात करें तो IQ रेगुलर इंटरवल्स में एक डिवाइस दो डिवाइस कर रहा था, कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही थी, रिकॉल वैल्यू पे काफी काम किया जा रहा था। और जो वीवो कर रहा थे अचानक से एक ही महीने में आपके पास 5 डिवाइसेस दे दे 6 डिवाइसेस दे, उससे क्या होता है कंज्यूमर्स कंफ्यूज होने लगते हैं कि अच्छा यार एक ही ब्रांड की 3 डिवाइस, छोड़ो यार मैं दूसरा ब्रांड देखता हूँ जिसके पास 1-2 होंगे, लेकिन चूज करने में आसानी रहेगी। तो कंफ्यूजन का इनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो एनुअल नंबर्स बताएंगे कि सेल्स में क्या नंबर आते हैं, लेकिन फिलहाल एक कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजी में मिसिंग नजर आई वीवो की तरफ से, जिसमें थोड़ा बहुत IQ ने कैपिटलाइज किया। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करने वाले हैं top 3 स्मार्टफोन्स ऑफ वीवो IQ। सो हमारे हिसाब से number 3 पे था IQ Neo 6। फोन का डिजाइन अच्छा था, और सबसे बड़ी बात वो आपके जो जेब है ना उस पर ज्यादा भार नहीं डालने वाला था, कैमरा अच्छा था जो मैक्सिमम लोगों को चाहिए, और साथ ही साथ लंबी रेसा घोड़ा था यानी कि बैटरी दमदार थी। सो निमिश, number 2 पे कौन सा फोन आएगा? मैं IQ 90 को इस पे रखना चाहूंगा, क्योंकि
फ्लैगशिप लेवल डिवाइस थी और प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव थी। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का शायद शुरू के कुछ फ़ोनों में से भारत में आने वाला था, 50,000 के नीचे रखा था उन्होंने उसको। डिज़ाइन काफ़ी रिमार्केबल थी आईकू की, आपको मानना पड़ेगा उनका वो जो पीछे वो रेसिंग पैटर्न का वाइट बैक एंड वो तीन स्ट्राइप डालते हैं बहुत डिस्टिंक्ट थी। कैमराज अच्छे थे, परफॉर्मेंस रॉक सॉलिड थी। जो हीटिंग इश्यूज हमने शुरू में साल में देखे थे आईकू लेजेंड में, इसमें हमको देखने को नहीं मिले। इट वॉज अ वेरी गुड फोन, 50,000 से कम में शायद सबसे अच्छा फ्लैगशिप था अपने टाइम में। वन प्लस को टक्कर दी थी, जबरदस्त टक्कर दी थी। बिल्कुल। और श्रुति, नंबर वन पे कौन सा डिवाइस होगा? मेरे हिसाब से वीवो X80 प्रो, सिंपली बिकॉज कैमरा पे आई थिंक कंसिस्टेंसी बनाई रखी और इम्प्रूवमेंट्स भी आए। सिर्फ ये होता ना कि फ्लैगशिप में एक हद के बाद इम्प्रूवमेंट्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई थिंक वीवो ने वो कर दिया, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक किया। मुझे नहीं लगा था एक्चुअली होगा, क्योंकि जब भी कंपनियाँ कहती हैं मेरा हमारा यू नो कैमरा बेस्ट है या इम्प्रूव कर गया है, तो थोड़ा सा डाउट होता है दिमाग में, बिकॉज फ्लैगशिप कैमराज हैव रीच, एक लेवल रीच हो गया है, अब उसके आगे लगता है कि अब कहाँ। ठीक है, नाइट मोड अच्छा है सब में, बट आई थिंक वीवो डिड डू अ प्रीटी गुड जॉब एंड दे रियली डिड इम्प्रूव द नाइट मोड आई थिंक दिस टाइम विथ द X80 प्रो, विच आई डिड नॉट थिंक वॉज पॉसिबल। X70 प्रो आई थॉट वॉज अ गुड नफ फोन, बट दे डिड डू दैट एंड देयर वॉज लॉट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनोवेशन तो की थी उस फोन में, तो X80 प्रो। राइट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, जो पेरेंट कंपनी यानी कि पिताजी है उनसे आगे बेटा निकल रहा है, और ये इस साल नहीं हुआ, ये पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी टॉप 3 की लिस्ट में वीवो का एक ही फोन आ पाया था और IQ के दो फोन आए थे, तो ट्रेडिशन कंटिन्यू हो रहा है। और बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में, जल्दी मिलते हैं एक और नया रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, श्रुति और निमिष को दीजिए इजाजत, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।